सभी को नमस्कार। इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट्स जो कि इंडियन आर्ट हिस्ट्री की थ्योरी में क्लास 11th में इंक्लूड किए गए हैं। उन कंटेंट्स को इस बुक के मैं रीड कर रही हूँ आपके सामने। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। यू शुड नो दैट व्हाट पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस वीडियो और व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कवर व्हेन यू आर स्टडिंग इंडियन आर्ट थ्योरी फॉर क्लास 11th। द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट इज़ द फर्स्ट टॉपिक इन विच यू विल बी नोइंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फाइन आर्ट्स आर देयर, व्हाट इज़ द लिस्टिंग, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच यू शुड नो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये परस्यू करना ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, पर इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दीज टू थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड यूनिट, जिसमें कि हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स से मतलब है प्री हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री के भी बहुत पहले हुआ है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। द थिंग्स विच आर हैपन्ड लॉन्ग अगो बिफोर हिस्ट्री, विच फॉर विच वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेट्स और समथिंग, जिसको कि टाइम पीरियड फिर भी एक दिया गया है, जो कि है 2500 BC टू 1500 BC। वन सेशन वी विल बी टेकिंग ऑन दिस BC एंड AD थिंग। देन यूनिट थर्ड इज ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, इन विच दे हैव इंक्लूडेड डिफरेंट डायनेस्टीज, जैसे कि शुंग, कुशान, गुप्ता और सातवाहन डायनेस्टी। ये तीन चार डायनेस्टीज़ को, उसके इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स को, उनके इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को या पिलर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। द यूनिट फोर इज़ रिलेटेड टू टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्जेस एंड आर्टिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसमें यह आएगा, आपको फोर्थ यूनिट के अंदर कई चीज़ें आएंगी, जिसमें से एक है टेम्पल स्कल्पचर्स, जिसमें कि ये आ सकता है कि जितने भी इंडिया के मंदिर हैं उनमें से कुछ चुनिंदा मंदिरों को लेकर उनके अंदर जो मूर्तियां हैं, द स्कल्पचर्स विच आर इनसाइड द फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया विच हैव अ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट। सेकेंड, दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द ब्रॉन्जेस, विच यू नो दैट चोल डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी जैसे हम कहते हैं, उसके ब्रॉन्जेस बहुत फेमस हैं। दे आर फेमस फॉर देयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ब्रॉन्ज यानि कहाँ से है, तो उसके जो स्कल्पचर हैं वो बनाए हैं उन लोगों ने, एंड दैट इज़ फेमस, सो दे हैव इंक्लूडेड दैट इन दिस यूनिट। उसके अलावा फोर्थ यूनिट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि इंडिया का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो देर आर सम आर्किटेक्चर्स इन इंडिया विच आर बिल्ट बाय इस्लामिक रूलर्स, जो कि कुछ समय के लिए इंडिया में आए थे एज अ इन्वेडर। सो उन आर्किटेक्चर्स को भी स्टडी किया गया है। आपको इनमें से बहुत कम आर्किटेक्चर्स और बिल्डिंग्स के बारे में इस बुक में स्पेसिफिकली पढ़ना होगा, बिकॉज इन क्लास 11 दे आर नॉट इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ इट। दे आर नॉट इंक्लूडिंग, दे आर ओनली टेकिंग द फेमस और द रिमार्केबल एग्जाम्पल्स, even from the art of Indus Valley and prehistory. Indus Valley में से भी उन्होंने important points लिए हैं, और prehistoric paintings जो कि history के भी पहले हैं, मतलब इतिहास के भी पहले की चीज़ों में से उन्होंने कुछ caves को और कुछ गुफाओं को लिया है। So this is the basic structure जो कि हम class 11th में mostly follow करते हैं। Other than this, one more thing is there regarding the प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जिस पर कि एक अलग सेशन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप इट हेल्प्स।